हेलो फ्रेंड, सिलाई मशीन लगभग सभी के घरों में होती है। इसे हम दोस्तों ठीक से कैसे रखेंगे और आपकी मशीन काफ़ी हल्की चलेगी, कभी ख़राब नहीं होगी, मशीन से आवाज़ नहीं आएगी, आप मशीन की इस तरह से अगर वायरिंग करेंगे तो। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, चलो सीखते हैं। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मशीन की ऑयल से ही मशीन की ऑयलिंग करें, दूसरा कोई ऑयल का यूज ना करें, नहीं तो मशीन आपकी जाम चलेगी। दोस्तों मशीन में ऑयलिंग करने से पहले मशीन के सारे प्लेट सुई वगैरह खोल लें, उसके बाद मशीन को अच्छे से सफाई कर दें, कॉटन कपड़े से साफ कर लें, नहीं तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ही दोस्तों हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जहाँ से मूव हो रही है वहाँ पर दोस्तों आपको दो दो बूंद ऑयल डालनी है और इस तरह से मशीन को चला चला कर ऑयल डालनी है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सभी पे आपको ऑयल डालनी होती है और इस तरह से चलाएं। इसके बाद दोस्तों इसके शटल में हमें पूरे ऑयलिंग करनी होती है, तो इसे शटल को घुमा लेंगे और इसमें अच्छे से ऑयल डालेंगे, पूरे शटल की ऑयलिंग करेंगे, ऐसे मशीन को चला चला कर ऑयल डालने हैं, शटल की अच्छी से ऑयलिंग हो जाएगी। अब दोस्तों मैं मशीन को ऊपर उठा दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं और जहाँ से पार्ट्स जुड़े हुए हैं और आपस में मूव हो रही है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सारे पार्ट्स पे आपको दो दो बूंद आपको ऑयल डालनी है। इस तरह से ऑयलिंग करेंगे आप तो आपकी मशीन बहुत ही हल्की चलेगी और यहाँ पे जितने होल हैं आप सभी होल में दो दो तीन तीन बूंद ऑयल डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने ऊपर में होल हैं वहाँ पे सभी में ऑयल इस प्रकार से डालेंगे। यहाँ पर ऑयल डालने के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल डालें और इसके ऊपर में जितने भी होल हैं ऑयल डालने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं एरो भी बना हुआ है ऑयल लिख के, तो इसमें सभी में आपको ऑयल डाल देनी है। दोस्तों इसके बाद हम बैक साइड में मशीन को पलट कर ऑयलिंग करेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों इस प्लेट को खोलना है और यहीं से सारे पार्ट्स मूव होते हैं, तो यहाँ पे ऑयल करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी पार्ट्स पे यहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों सभी पार्ट्स पे हमने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद प्लेट को बंद कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरफ से भी हमने उस तरफ से उस बार पलट कर तेल डाला था, अब हम इस तरफ से भी डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मशीन की ऑयलिंग करेंगे तो आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही हल्की चलेगी और कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मशीन की पूरी ऑयलिंग के बाद एक बार मशीन को अच्छे से चला लें। दोस्तों कभी भी मशीन चलाएं तो इसका पैर उठाकर चलाएं, नहीं तो दांत घिस जाती है। और यहाँ पे दोस्तों
ये रिवर्स दिया हुआ है, जब इसको दबाएंगे तो सिलाई पीछे की तरफ जाएगी, इसको रिवर्स बोलते हैं। और कभी भी सिलाई का टाका बड़ा छोटा करना हो तो इसको नीचे दबाकर ही करेंगे। इस तरह से दोस्तों मशीन की सर्विस की जाती है। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।